अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा और अभी वीडियो में प्रीव्यू में भी आपने देखा कि आज जो है हम लाइट बोर्ड का जो वीडियो होता है उसके ऊपर जो एडिटिंग होती है वो हम मोबाइल से किस तरह से करेंगे और कौन से एप्लीकेशन में करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइट बोर्ड का जो वीडियो है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे तो मेरा फर्स्ट लाइट बोर्ड का जो वीडियो था मैंने उसको जो है इंपोर्ट किया था, वो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन वो वीडियो एडिट किस तरह किया जाता है काइन मास्टर में, वो आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काइन मास्टर जो है आपको सबसे पहले ओपन करना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था उसका जो एस्पेक्ट रेशियो था वो 16:9 था। जी हाँ, जो फुल स्क्रीन पे होता है हमारे जो यूट्यूब के लिए हम लोग बनाते हैं वो ये वाला स्क्रीन है हमारा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। जी हाँ, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वो वीडियो मुझे जो है अब वो यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। जी हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसको इंपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर किस तरह से एडिटिंग करेंगे वो आज हम देखते हैं। तो ये वीडियो जो है मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये देखिए, ये वीडियो है जो मैंने लाइट बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड किया था अपने स्मार्टफोन से। जी हाँ, अब ये वीडियो जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, ठीक है, ये जो है आपको जो नज़र आ रहा है वो जो है वो रिवर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे जब मैं लाइट बोर्ड के पीछे स्टैंड होता हूँ, खड़ा होता हूँ, तो वो मुझे सीधा नज़र आता है, बट जब आप देखोगे तो आपको वो उल्टा नज़र आएगा। और पीछे देखिए कर्टन है, एक ब्लैक कलर का कर्टन है, वो कर्टन में यहाँ पर नज़र आ रहा है और कुछ वाइट कलर के पैचेस भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इस वीडियो को जो है आपको रोटेट करना होगा। जी हाँ, रोटेट करने के लिए यहाँ पर आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रोटेट मिरर का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। रोटेट और मिरर के ऊपर भी दोस्तों मैंने काइन मास्टर के सीरीज़ में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि रोटेट और मिरर कैसे करते हैं। फिलहाल मैं रोटेट और मिरर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये दो ऑप्शन है, फ्लिप का है और रोटेट का है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको फ्लिप कर लेता हूँ। फ्लिप यानी कि ये आप जो है आपको सीधा नज़र आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने फ्लिप पे क्लिक किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने लिखा था। अगर मैं फिर से आपको बताऊँ तो ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऐसे मैंने लिखा है तो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, इसको फ्लिप करना होगा। जी हाँ, फ्लिप करना है, इस तरह से आप इसको फ्लिप करोगे, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप से इसको मुके करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाना है यहाँ पर एडजस्टमेंट में। जी हाँ, एडजस्टमेंट में जाना है और पीछे जो ब्लैक कलर का कर्टन आपको नजर आ रहा है इसको हमको क्या करना है, यहाँ से एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट में जाकर आपको ब्राइटनेस के ऊपर थोड़ा वर्कआउट, देखिए मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो कर्टन मुझे नज़र आ रहा है इस तरह से, तो ब्राइटनेस आपको हल्का सा इंक्रीज और डिक्रीज करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैन्युअली एडजस्टमेंट करके देखना होगा, आपका आपका जो लाइट बोर्ड का वीडियो है उसके रिक्वायरमेंट जो है आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, देखिए कॉन्ट्रास्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे बढ़ाया पीछे का जो लाइट बोर्ड है पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो डिसेबल हो चुका है और मेरा जो टेक्स्ट है वो अच्छी तरह से यहाँ पर विजिबल हो चुका है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आप सैचुरेशन वगैरह के ऊपर भी यहाँ पे काम कर सकते हो, नीचे और भी कुछ सेटिंग्स दिए हुए टेम्परेचर को लेकर यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट के ऊपर भी यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से शेडो वगैरह है, बहुत सारे सेटिंग्स है, जो भी करना है एक्चुअली आपको क्या करना है यहाँ पर एडजस्टमेंट में ही जाकर करना है लाइट बोर्ड के वीडियो के ऊपर अगर आपको एडिटिंग करनी है तो। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से जो है अगर आप वीडियो को देखोगे तो पूरे वीडियो में जो है टेक्स्ट जो है वो विजिबल हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो एडजस्टमेंट किया है। तो इस तरह से ना दोस्तों आप लाइट बोर्ड के वीडियो के ऊपर जाकर जो है एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी सिंपल और एकदम वेरी इजी, बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से विद द हेल्प ऑफ काइन मास्टर। तो ये छोटा सा एक टिप्स देनी थी मुझे कि लाइट बोर्ड के वीडियो को किस तरह से एडिटिंग किया जाता है। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो लोग कंप्यूटर से एडिटिंग करते हैं और जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता है तो वो किस तरह से एडिटिंग करेंगे। तो सिंपल काइन मास्टर का जो एप्लीकेशन है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। काइन मास्टर का ये वाला एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर जो है चैनल पर ज्वाइंट हो सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप
आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।